खबर है मिर्जापुर से। सावन माह में भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर किया जा रहा कब्जा, मोहल्ले वालों के विरोध पर पुलिस द्वारा कब्जा हटाया गया। बता दें एक तरफ जहां सावन माह में भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए भक्तों की लाइन लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ आज दिनांक 23 जुलाई को थाना कोतवाली कटरा के लाल डिगी क्षेत्र के नालघाट स्थित प्लेवे स्कूल के पास प्राचीन भोले मंदिर के बगल में रह रहे लोगों द्वारा कब्जा करके मकान बनवाया जा रहा था। मोहल्ले के लोगों द्वारा जब इसका विरोध जताया गया तो युवक के परिवार के लोग में मारपीट करने का आमदा हो गया। मोहल्ले के लोगों द्वारा 112 पर सूचना दी गई, मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा बनाए जा रहे दीवार को गिरवाया गया। फिलहाल शांति व्यवस्था बनाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट गुड्डू खां। जी बताएं क्या मामला है, आज विवाद यहाँ हो रहा है मंदिर पर, क्या है मामला? ये चेतगन वार्ड 23 नंबर है। प्राचीन काल से यहाँ पर मंदिर भोलेनाथ का इनारा, जो यहाँ मोहल्ले के लोग दर्शन करते हैं, इनारा का पानी भी होता है, आवास रही प्राचीन काल, और यहाँ पर एक सशक्त जो आदमी है वो मंदिर और कुएं को ऊपर अपना कब्जा करने की फिराक में प्लस दीवार उठा रहा है, तो उसी के लिए पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ है कि मंदिर और कुआं किसी का नहीं होता, न पट्टा होता है न लिखित होता है, ये सार्वजनिक होता है, तो उसी के लिए पूरा मोहल्ला इकट्ठा होके इस मंदिर को जो कब्जा कर रहे थे, यहाँ पर दीवार उठा रहे थे, उसके लिए पूरे मोहल्ले वालों ने एकत्र होके उस दीवार को हटवाया है, और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी आई है जो कि वो पूरा देखी है नीचे से ऊपर तक। बस यही मोहल्ले वालों का कहना है, और मैं भी कह रहा हूँ, मैं आज से नहीं, मैं मेरा जन्म जब से नहीं हुआ मैं इस मंदिर को देख रहा हूँ, इस कुएँ को देख रहा हूँ, तो अगर कोई इस कुएँ को और मंदिर के ऊपर कब्जा करेगा या दीवार उठाएगा तो उसके लिए भाई हम करते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। अपना परिचय दे दीजिए। मैं चेतगन वार्ड का सभासद पति रूपेश यादव। नाम बताइए। मेरा नाम शरद जायसवाल, मैं बल्लीगट्टा मोहल्ले का रहने वाला हूँ। क्या क्या समस्या है आज मंदिर पे? मंदिर का समस्या है कि जो मंदिर में पीछे उनकी जो इस समय कब्जा कर रहे हैं मंदिर, वो उनका पीछे मकान बना हुआ है, मंदिर का एक कमरा भी इन्होंने कब्जा कर लिया है, बोला गया तो ये झगड़ा कर रहे थे, और आज फिर आगे का दीवार और इनारा वगैरह बंद करने के लिए कोशिश किए, तो सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए, तो इनके लड़के ने जो है वो डंडा और बैठ लेकर हम लोगों को मारने के दौरान हम लोगों ने 101 नंबर को फ़ोन किया, पुलिस आई और ये कब्जा दीवार उठवा के पीछे भी छत पर इन्होंने कब्जा कर लिया है, एक कमरा कोठी इन्होंने पैक कर लिया है, हम लोग बार बार करते रहिए, हमेशा गाली गलौज करते रहे, ये अपना फर्जी नाम और ये सारी कुछ चढ़वा लिए हैं, इनका जिसके पूर्वजों की थी इसका इस परिवार के जो लोग इसमें वर्तमान में है उनका इस लोगों से कोई कब्जा लेना देना नहीं है, ये संस्कार का जो फोटो है इसमें ये मोहल्ले के लोग मिलके इनका पूजन करते थे, आप इसको सबसे बड़ा प्रूफ देखिए, और इसमें जो बच्चे की तस्वीर लगी हुई है, मैं बोल रहा हूँ मैं उसमें मेरी उम्र 10 साल की थी,